लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं विभा देवव्रत सिंह आप लोग को फिर से एक वीडियो भेज करके कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें भूपेश बघेल जी किसी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका मतलब था ये कहने का कि देवव्रत सिंह की पत्नी उनके साथ प्रचार कर रही हैं, जो कि पद्मा देवी हैं, और वो किसी विभा सिंह को नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और मेरे लिए बहुत ही तकलीफजनक था। यही चीज़ दर्शाता है और साफ लाता है कि भूपेश बघेल जी ने अपनी ज़बान से ये कबूल कर लिया कि उन्होंने देवव्रत सिंह की मुझे पहचानने से इनकार किया। उन्होंने इसीलिए उन्होंने पद्मा को सपोर्ट किया था और दंगा करवाया था, मुझे घर से निकलवाने की कोशिश की थी। मेरे घर के अंदर, मेरे बेडरूम के अंदर तक गुंडे घुस करके आए थे उस टाइम पे, और मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी दो बार। एक बार मुझे खैरागढ़ के कमल विलास पैलेस में जान से मारने की कोशिश की गई थी, जिसके वीडियो क्लिप्स आज भी हैं, और दूसरी बार मेरी उदयपुर पैलेस में मुझे मारने की कोशिश की गई थी। उसमें तो मेरी गाड़ी को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया था और पत्थर और हर तरीके की चीज़ों से मुझे मारने की कोशिश की गई थी। किसी तरीके से मुझे जान बचा करके मैं वहाँ से निकल पाई थी, और उसके बाद से मैं लगातार भूपेश बघेल जी से सुरक्षा मांग रही थी। मैंने कई चिट्ठियाँ लिखी थी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, और इवन मैंने पर्सनल दो गार्ड्स रखे थे, उनको भी भगा दिया गया था, उनको पुलिस वालों ने भगाया था। और तब से मुझे ये डाउट था कि ये सब शासन से हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है, और कि किसी इतने बड़े पद पे जो चीफ मिनिस्टर थे वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे कि वो नहीं जानते कि विभा सिंह कौन है। तो सारे दंगे जो जिन लोगों ने, जैसे गुलशन तिवारी है, हेमंत वैष्णव है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमले के टाइम थे, और बहुत से नाम हैं जिनको मैंने बकायदा कंप्लेन में लिख करके दिया है, उनके साथ में बघेल जी घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं, साथ में वो पूरा का पूरा गैंग उनके साथ चल रहा है जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है कि हमारे महल में पूरे तरीके से बर्बादी और तोड़फोड़, हमारे पति के स्वर्गवासी होने के बाद, उनके जाने के बाद, उनके रहते वक्त भी उनको पार्टी से निकाला गया, उनके जाने के बाद उनके घर के हर बच्चे बड़े सबको घर से, उनकी बहनों को सबको बेघर करके भूपेश बघेल जी आराम से अपने चुनावी रोटी सेक रहे हैं और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास में इतना बड़ा फर्जी वाड़ा है कि वो एक फर्जी औरत को, जो कि 11 करोड़ लेकर के चली गई है दूसरे के साथ में, वो घर बसा के रह रही है, उनको लाके पत्नी बता करके फर्जी आधार कार्ड गांव वालों को दिखा दिखा करके वो बेवकूफ़ बना के वोट कलेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, और उनकी इस स्टेटमेंट को सुन के मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, और कहीं वो मैडम श्रीमती मुक्तेश्वरी जी को भी तो नहीं भूल गए हैं, या उनके साथ जो भी और कर्मचारी थे, जो कुछ लोग जेल में हैं, जो उनकी ओएसडी थी सौम्या चौरसिया जी, और भी जो कर्मचारी थे जो उनकी सत्ता सरकार के टाइम पे थे, वो सबको भूल चुके होंगे शायद। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।